वेलकम टू आवर चैनल CMI टाइम्स। एम्स में इस साल EWS रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स सहित देश के सभी चिकित्सा संस्थानों को एडमिशन में आर्थिक आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए इस साल आर्थिक आरक्षण के आधार पर एडमिशन नहीं किया गया है। दिल्ली एम्स में 100 सीटें हैं, जिसमें 10% सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों का एडमिशन होना था। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एम्स प्रशासन को 10% सीट बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी थी। हालांकि एम्स ने इस साल जरूरी सुविधाएं न होने के कारण इस सेशन में EWS रिजर्वेशन लागू न करने की छूट मांगी थी। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वे इस साल 25 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी और लेक्चर हॉल आदि सुविधाएं बढ़ाने में असमर्थ हैं। ऐसे में नेक्स्ट सेशन से ही EWS रिजर्वेशन को लागू कर पाएंगे। देश में कुल 14 एम्स हैं, जिसमें 1200 सीटें हैं। EWS रिजर्वेशन के अंतर्गत इस सेशन में किसी भी एम्स में किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया है और होने की संभावना भी नहीं है। वहीं अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी EWS कोटा के अंतर्गत स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने से मना कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ भी जो सीटें बढ़ रही है, उस बढ़े हुए सीटों के अनुसार लेक्चर और हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज़ के लिए उन्हें एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो EWS कोटा के अंतर्गत एम्स या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रयासरत थे, उन्हें एक काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को EWS कोटा के अंतर्गत ना ही एम्स में ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की संभावना है। ये थे MBBS एडमिशन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग CMI टाइम्स।